नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल RAR24 News को। दोस्तों, एक हफ्ते से उठा पटक के बाद आज मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव बीजेपी में शामिल हो गईं। जो कयास लगाए जा रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके बीजेपी में आ जाएंगी, आज वही हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीजेपी दफ्तर में स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ वो तमाम नेता मौजूद है जो कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, चुनाव से पहले वो योगी और मोदी की तारीफ करते नजर आ रही थी। उन्होंने 2017 में लखनऊ कैंट से रीता बहुगुणा जोशी से चुनाव हार गई थी। ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव उनको कोई भी सीट नहीं दे रहे थे और रीता बहुगुणा जोशी अपने लड़के को भी लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ाना चाह रही थी। अब लखनऊ कैंट रण क्षेत्र होगा। अब देखना होगा कि क्या अर्पणा यादव के बीजेपी में शामिल होने से क्या होता है। इन सब तमाम खबरों के लिए आप RAR24 न्यूज पर बने रहें। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि सब लोग अपने अपने स्थान पर आए। पर सभी लोग कृपया व्यवस्थित हो जाएं। सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। मित्रों, आप सभी देख ही रहे हैं पूरे देश में और जो पांचों राज्यों में चुनाव हो रहा है उसका माहौल आप सब लोगों को स्पष्ट दिख रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग विकास की राजनीति करना चाहते हैं वह सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सभी राज्यों में लगातार ज्वाइनिंग हो रही है और इसी कड़ी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग दिल्ली में है। आप सब लोगों का परिचय है ही, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू अपर्णा यादव जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रही हैं और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी हम लोगों के मध्य हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी हम लोगों के मध्य हैं। श्री दयाशंकर जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के सह संयोजक संजय महयूक जी हम लोगों के मध्य हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय स्वतंत्र देव जी और केशव मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची अपर्णा जी को देकर पार्टी के अंदर उनको शामिल करने की विधिवत घोषणा करें। उनको केशव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो
रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी।